ओके बच्चों, आज मैं आपकी इस क्लास में सेकंड टर्म असाइनमेंट जो मैंने दिया था तो उसके आउटपुट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ सिलेबस होंगे तो वो भी आपको इसमें पता चल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर बाय चांस रॉन्ग है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही स्टार्ट कर रहा हूँ। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कहीं अगर मुझे लगा कि मुझे सॉल्व करवाना चाहिए आप लोगों से तो मैं वो भी करवा के देखूंगा। देखिए, इसमें पहला आउटपुट आपका, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन आपको याद करने ही पड़ेंगे या उसकी वीडियो देख के रखनी पड़ेगी कि फंडामेंटल उसका क्या है, उसके हिसाब से ही आप आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। बहुत ज्यादा लॉजिक अगर चाहोगे तो डिस्कस कर लूंगा। जैसे मैट डॉट सील, पहला क्वेश्चन है मैट डॉट सील। तो सील क्या करता है, आपका इंटीजर पार्ट में, किसी भी डेसिमल वाले नंबर में इंटीजर पार्ट जो होता है उसमें एक वैल्यू बढ़ा देता है, यानी वन का इंक्रीमेंट कर देता है। ये आपका रहता है इसमें। स्क्रीन प्रॉपर आ रही है बच्चों? यस हाँ, तो देखिए आपका पहला आपका है मैट यस डॉट सर सील, माइनस में वैल्यू है, माइनस में। तो ये माइनस में क्या करता है, माइनस में कोई चेंज, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है, यानी कि बस जो भी पॉइंट के बाद में लिखा है उसको हटा के जीरो कर देता है, और उसके हिसाब से आपका आंसर भी ये लिखा हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे -10.01 लिखा है, तो सील फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू होती, जैसे कि -10 की जगह पे अगर 10.01 या 10 कुछ टाइप से कुछ होता, 10, तो आपका ये इंटीजर पार्ट बढ़ा देता है, यानी कि 11.0 आंसर दे देता आपका। लेकिन अगर माइनस के केस में होता है तो माइनस के केस में सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा के जीरो कर देता है, और पॉइंट से पहले में जो भी वैल्यू लिखी थी यानी कि 10, उसको वैसे ही वैसे बनाए रखता है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका -10.0 आया, क्योंकि सिर्फ आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा देनी है बस। फिर SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट निकालता है, तो ये आप 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो इसलिए आपका ये 5 निकाल दिया। बच्चे कोई भी अगर आपको लगे कि हाँ इस चीज को रिपीट कर दे तो प्लीज बोल दीजिएगा, ये नहीं कि वन वे कन्वर्सेशन रहे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी ले रखा है तो स्ट्रिंग को भी मैं समझाता चलूंगा जिससे आपको फायदा हो। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया गया, सेट कैरेट जीरो, सॉरी सेट कैरेट फंक्शन यूज किया गया। सेट कैरेट फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दिया गया होगा उस इंडेक्स नंबर पे वो कैरेक्टर को सेट कर दे, यानी कि इंसर्ट कर दे। तो आपका यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की बात करें तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका इसका इंडेक्स नंबर है, और ये कह रहे हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आई इंसर्ट कर दो। तो फोर्थ नंबर पर आपका वाई है, तो वाई को हटाकर ये आई बना देगा, फोर्थ इंडेक्स नंबर पे वाई को हटाकर आई बना देगा, तो इसलिए ये आपका HAPPI हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरा मतलब सेट कैरेट फंक्शन जिस कैरेक्टर पे वो कैरेक्टर लाओगे तो उस कैरेक्टर को रिप्लेस कर देता है, ये खास बात भी इसकी होती है। तो आपका HAPPI हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, ये 2D एरे का दिया है, डबल डायमेंशन एरे। तो क्योंकि ये कोर्स में नहीं है आपके इस साल तो इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं। देखिए ये है, इसमें क्या सिंगल डायमेंशन एरे एक है और एक लूप चलाया गया है और उसमें आपका आई की वैल्यू प्रिंट कराई गई है। तो आपका एरे या स्ट्रिंग का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने इंडेक्स नंबर डाल दिए। अब 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए और आई प्रिंट करा दे, तो आई के पास क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 प्रिंट करा देगा। ये आपको कंफ्यूज किया गया है, अगर यहाँ पर पी स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा होता तो 8 पे आपका 19 प्रिंट होता, लेकिन ये तो आई प्रिंट हो रहा है ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि एरे है तो एरे का तो प्रिंट कराया ही जाएगा ना, तो आप सीधे यहाँ 8 को देखते हुए
19 प्रिंट कर दोगे तो 19 नहीं प्रिंट कराना, क्योंकि उसने आई प्रिंट कराया है, पी ऑफ आई नहीं प्रिंट कराया है, इसलिए आपका 8 आएगा। फिर उसके बाद लूप का नेचर है ये, जैसे आप देख पा रहे हो कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, तो लूप में भी एक लूप क्या है, कोई भी जगह जहां पर कंडीशन लगी है वहां पे अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन करना ऑफ करना ऑप्शनल है, लेकिन लूप तो चलेगा ही चलेगा। तो कर्ली ब्रैकेट लगे हो या ना लगे हो, लूप का नेचर है ये, ऊपर जरूर जाएगा। तो आपका आई के पास 8 था, 8 माइनस 2 किया तो 6 हो गया, 6 भी बड़ा है 0 से, तो आई प्रिंट करा रहे हैं तो आपका 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस 2 करेगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस 2 करेगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस 2 करेगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, उसका लूप फॉल्स हो जाएगा। तो ये पी ऑफ आई नहीं प्रिंट कराया गया, मतलब ये एरे फर्जी में ले लिया गया और सिर्फ आई प्रिंट करा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपका स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग के आउटपुट बहुत ज्यादा आते हैं तो इसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। देखिए यहाँ पे आपके दो स्ट्रिंग ली गई हैं, एक आपका S1 में गुड स्टोर है, दूसरा S2 में वर्ल्ड मैटर स्टोर है। तो आप इंडेक्स नंबर डाल दीजिए 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4 और स्पेस 5 पे है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 तक बच्चों जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कराया गया, इसमें सबस्ट्रिंग का यूज किया गया। तो सबस्ट्रिंग क्या करता है, ये करेक्टर तोड़ता है, सबस्ट्रिंग क्या करता है करेक्टर तोड़ता है, तो इसके करेक्टर तोड़ने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे जो ये इंडेक्स नंबर दिया गया है, तो अगर एक इंडेक्स नंबर दिया है इसका मतलब वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ दे, एक इंडेक्स नंबर देने पर वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ दे, और अगर आपका दो इंडेक्स नंबर दिए होते यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग, तो स्टार्टिंग करता जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है और एंडिंग जो होती उससे एक कम तोड़ता, ये यही गलती होती, एक कम तोड़ता। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही है तो ये 4 से आखिरी तक का तोड़ दे, किसमें से S2 में से। तो S2 में आप अगर आप देखेंगे इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 4 पे आपका D है, D और आखिरी तक का पूरा तोड़ दे तो D स्पेस मैटर्स ये पूरा टूट जाएगा। उसके बाद जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज हो रहा है और कह रहा है कि जितने भी ये जो वर्ड टूटा है इसमें जितने भी T है उनको N बना दो। तो यहाँ पे D है, हाँ डबल T, ये दो T है इनको N बना दे, यानी कि D और फिर मैटर जो था वो मैनर हो जाएगा, डबल N हो जाएगा डबल T की जगह पर और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यानी D से मैटर पूरा तोड़ा और उसमें D मैटर में जितने T थे उनको N बना दे, तो N बना दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये आउटपुट आ गया। क्लियर बच्चों, बोलते रहिए। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपका यूज किया गया यहाँ पे str1 नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, str1। तो str1 में आपने अभी भी देखा था ये str1 है जिसमें d मैटर गया है, d मैनर हो गया, आप तो d मैनर गया है। अब d मैनर में s1 जोड़ दे, तो d मैनर में s1 कहाँ जोड़े, अब क्योंकि कॉन्केट में s1 बाद में लिखा है तो यानी गुड बाद में आ जाएगा, तो d मैनर मैनर्स और लास्ट में ये गुड और जुड़ जाएगा। कॉन्केट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स के वैल्यूज को कॉन्केट कर देना, ज्वाइन कर देना, तो डी मैनर्स गुड आपका कंप्लीट हो जाएगा और विदाउट स्पेस ज्वाइन करता है कॉन्केट फंक्शन, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर फाइनल हो गया। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, प्रहर्ष पूछते रहिए। हाँ पूछते रहिएगा बेटा। उसके बाद देखिए निखिल बच्चों, एक मिनट, नया बच्चा ज्वाइन किया है। यस बच्चों, तो इस क्वेश्चन में एक एरे दिया गया है, इस एरे में आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये दो वैल्यू हैं एक्स और वाई,
ये फंक्शंस यूज हुए हैं, इनके हिसाब से आपको निकालना है। तो अब सबसे पहले आपको मैंने बताया एरे या स्ट्रिंग है तो उसका पहले इंडेक्स नंबर आप फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब इंडेक्स नंबर लिख लीजिए। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से यहां पर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहां तक गया है। अब देखिए यहां पे मैट डॉट पाओ का यूज किया गया है और एन ऑफ फोर पे कौन सी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, कौन सी वैल्यू आ जाएगी एन ऑफ फोर पे? फाइव। हाँ, एन ऑफ फोर पे फाइव है बच्चों, तो ये फाइव की पावर करनी है और कितनी करनी है, एन ऑफ टू, एन ऑफ थ्री, थ्री है, इसका मतलब फाइव की पावर थ्री हो रही है, कितना आ जाएगा 125। ओके, ऐसे ही यहाँ पे एन ऑफ फाइव पे क्या है, एन ऑफ फाइव पे आपका यहाँ पर सिक्स है, तो सिक्स प्लस, और एन ऑफ सेवन पे क्या है, नाइन है। तो पहले क्या करें, पहले एडिशन करें, नाइन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, और फिफ्टीन का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिफ्टीन का स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैथ में पढ़िए भैया। तो आपका यहाँ पे 3.87 आएगा, तो यहाँ पे 125.0। अच्छा बच्चों, ये मैट डॉट पाओ रिटर्न में आपका डेसिमल वैल्यू देता है, तो इसका मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा, जीरो नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर तो इसी बात पे कट जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, जैसे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आ जाते हैं क्या 3.87, या तो फिर वो मतलब वो परफेक्ट नंबर ना हो, ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे 15 और 25, 27, ऐसे भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बस कोशिश उनकी ये रहती है कि बच्चों को इजी से इजी दिया जाए। तो अब ये तो खैर जो आप पेपर देख रहे हो ये किसी स्कूल के पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया, तो स्कूल वाले तो अपने हिसाब से चलते हैं, है ना, सबको पता है। तो जरूरी नहीं कि बोर्ड में इतना टफ दिया जाए, बोर्ड में इक्विवेलेंट वैल्यू का ही निकालने के लिए ज्यादातर आता है कि 64 दे दिया तो 8 आ गया, इस तरीके से ही ज्यादातर आता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पी और क्यू की कुछ वैल्यू दी गई है और टर्नरी ऑपरेटर में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन कहा गया है। तो आपको कुछ नहीं, बस कंडीशन लगाई, जो कंडीशन दी गई उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, और कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये अपनी वैल्यू को एन में दे देगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कोलन साइन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू को एन में दे देगा। तो जैसे यहाँ पर क्यू क्यू की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी 19, और आपका पी की वैल्यू 5 है, तो 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14। और अब यहाँ पे पी माइनस क्यू किया है, यानी कि 5 माइनस 19 माइनस 14 आ जाएगा, तो 14 बड़ा है माइनस 14 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गए के मतलब है क्यू माइनस पी वाली वैल्यू एन में चली जाए। तो Q में क्या है, Q में आपका 19 था, P में आपका 5 था, तो 14 आया था यहाँ पर, तो 14 आपका N में चला जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये तो 5 दिखा रहा है, तो 14 ही इसका आंसर हो जाना चाहिए। बच्चों कहीं किसी का कुछ दिमाग लग रहा है, 5 कैसे आ सकता है, 5 तो किसी हालत में नहीं आएगा, गलत है। हाँ, तो ये आपका आंसर इसका 14 आ जाएगा, 14, 5 नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कोड है आपका, फिर से एक एरे का ही क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का। देखिए, एक एरे डिक्लेयर किया गया है AR नाम से, जिसमें आपका 5 नंबर स्टोर हो सकते हैं, ये साइज कितना दिया है 5, और वो भी इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर AR को हम प्रिंट करा दें, यानी एरे को प्रिंट करा दें, तो इनमें से चारों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट के रूप में आएगी। तो
यहाँ पे थोड़ा आईक्यू लेवल आपका टेस्ट किया जा रहा है। आईक्यू लेवल क्या है कि यहाँ पे देखो बच्चों मेमोरी बनाई है लेकिन वैल्यू तो डाल के दिखाई नहीं कोई, सिर्फ मेमोरी बनाई, 5 बॉक्स की मेमोरी बन जाएगी लेकिन वैल्यू तो कोई डाली नहीं है। और एरे को प्रिंट कराने का ये तरीका है भी नहीं, एरे को प्रिंट कराने का तरीका है कि इंडेक्स नंबर बतानी पड़ता है, किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट करानी। तो हम ए आर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, यानी लेस देन 5 यानी 4 तक कुछ भी लिख सकते थे। तो उसके इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होती वो प्रिंट कराता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही स्टोर नहीं है और इंडेक्स नंबर भी नहीं बताया गया है तो उस केस में यहाँ जीरो जीरो ओके, तो उस केस में यहाँ पे आपके हिसाब से जीरो आएगा। लेकिन मैंने जो भी बच्चे आपके इस समय लास्ट में फंक्शन वाला टॉपिक पढ़े थे हमसे, तो उन बच्चों को मैंने बताया था कि सिर्फ फंक्शन टॉपिक में जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय इंस्टेंस वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है। लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम जो होते हैं जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन से बनाए जाते हैं उसमें किसी वेरिएबल में ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू नहीं ले लेता है, सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसलिए वैल्यू ले लेता है। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर हम मान लें कि जीरो पहुंचा होगा तो जीरो भी नहीं मिलेगा, ये चीज है। अब ये प्रिंट क्या करेगा, तो इसका आंसर प्रॉपर है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब मेमोरी के अंदर हजारों वैल्यू टहल रही होती है रैम के अंदर, तो कोई भी प्रोग्राम आपने पहले रन कराया तो उसकी कोई भी वैल्यू उठाकर इसमें मेमोरी में रख लेगा और आपका कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो प्रॉपर आंसर इसका गार्बेज वैल्यू है, इसका याद रखिएगा, ना ही जीरो ना ही चार जीरो ना ही इस तरीके से कुछ। तो ये क्योंकि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है इसलिए गार्बेज दे रहा है, बस इतना ही इसका आंसर है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एक लूप है। अब ये बच्चों ये वाला एग्जाम्पल है उस लूप का जो बताया गया था वाइल और फॉर और डू वाइल में डिफरेंस। तो उसमें बताया था वाइल फॉर का डिफरेंस कि वाइल में नंबर ऑफ इटरेशन अननोन हो सकते हैं, यानी कि इसमें पता ही नहीं हो सकता है कि कितनी बार लूप चलाएं, तो उसके लिए यही वाला एग्जाम्पल सेट होता है कि ट्रू लिख दीजिए तो ये लूप चलता ही रहेगा, क्योंकि कोई कंडीशन लिखेंगे तो उसमें भी ट्रू फॉल्स के हिसाब से ही लूप चलता है। तो यहाँ पहले से ही ट्रू है इसका मतलब ये लूप चलता ही रहेगा। अब इसको रोकने के लिए ये तो इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, इनफाइनाइट टाइम मतलब चलता ही रहेगा, लेकिन अगर इसको रोकना है तो ब्रेक स्टेटमेंट से इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट खाली पूछा गया है, तो आउटपुट बच्चों लूप का कभी भी आप लोग निकालेंगे तो ड्राई रन वर्किंग रफ वर्क में जरूर कीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ और पी की वैल्यू हमारी 200 है, 200 मैंने लिख दी यहाँ पर। अब स्टेप वन में अंदर आए तो क्योंकि ये पहले से ही ट्रू लिखा है तो अंदर सीधे आ जाओगे आप, और पी की वैल्यू आपकी 200 है। अब 200 इज लेस देन 100 तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो आप इफ से बाहर जाओगे। अब बच्चों यहाँ पे एक क्लॉज है छोटा सा जो आपको भ्रमित कर सकता है कि आपको ये लग सकता है कि ब्रेक वाली लाइन और पी इज इक्वल टू पी माइनस 20 ये दोनों इफ के अंदर है, जबकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं खोला गया है किसी कंडीशन के अंदर तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही लाइन उस कंडीशन के अंदर मानी जाती है, यानी कि रियल में ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट अगर खोला गया होता तो इतना होता है, ब्रेक सिर्फ इफ के अंदर है, p is equal to p minus 20 नहीं है। तो p is equal to p minus 20 फिर अगर इफ में नहीं तो कहाँ है, लूप के अंदर है, ये आप याद रखिएगा। इसमें आप क्या करते, इसमें आप कंडीशन फॉल्स हो रही तो आप सीधे ऊपर चले जाते तो ये तो हमेशा इनफाइनाइट टाइम चल जाता, क्योंकि अगर p is equal to p minus 20 को इफ के अंदर रख लोगे तो इफ कंडीशन जब ट्रू होगी तभी तो चलेगा। लेकिन क्योंकि p is equal to p minus 20 लूप इफ से बाहर है इसलिए हमेशा चलेगा। तो आपका 200 था तो 200 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180। तो आपका 180 हो जाएगा, 180। तो पहले स्टेप में जब आप अंदर आए तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 180। उसके लूप का नेचर होता है ये ऊपर जरूर जाएगा चाहे प्लस प्लस माइनस माइनस मिले या ना मिले, तो फिर से ये ट्रू हो गया। अब यहाँ चेक हो रहा है 180 छोटा है 100 से, फिर कंडीशन फॉल्स। तो आप ये सेकेंड टाइम अंदर आप आए हो लूप के सेकेंड टाइम, तो अब 180 माइनस 20 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 160। चलिए अच्छा मैं भी अपना दिमाग लगा लेता हूँ, वैसे बोलते रहिए। फिर आपका ऊपर चला जाएगा लूप, अब 160 इज लेस देन 100, फिर कंडीशन फॉल्स, फिर पी माइनस, तीसरी बार हो रहा है।
तो आपका 140 हो जाएगा। उसके बाद और चलाएं तो अभी आपको मालूम कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है, तो ये 120 हो जाएगा। फिर और चलाएं तो ये 100 हो जाए। अब देखो मानो कि 120 यहाँ पे आया और 100 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो आप else में गए, 120 माइनस 20 किया तो आपका कितना आ गया, 100 आ गया। अब 100 आया, ये फिफ्थ स्टेप में आपका 100 आया है। अब यहां से आप फिर से लूप ऊपर ले जाओगे तो ट्रू का मतलब ट्रू हो जाए। अब 100 100 से छोटा है, बच्चों बताइए फॉल्स, तो आप फिर से इफ से बाहर आ गए और फिर पी माइनस 20 हो, तो यानी कि आपका ये 6 टाइम्स, छठे बार आप अंदर आए थे और आपका यहाँ पर 80 बचा। अब 80 बचा, लूप फिर से ऊपर चला जाएगा। अब ट्रू का मतलब तो ट्रू होता है, तो फिर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चेक होगा 80 इज लेस देन 100, ये सेवेंथ टाइम चेक हो रहा है, 80 इज लेस देन 100, तो कंडीशन क्या मानी जाएगी? यस सर, यस सर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका अंदर आओगे और ब्रेक मिल जाएगा और ब्रेक से लूप से बाहर, तो अब आपका आउटपुट पी प्रिंट कराया जा रहा है, तो पी के पास आपका 80 था। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं बहुत अच्छी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आउटपुट पूछा है तो आउटपुट में तो आपका सिर्फ 80 आएगा आउटपुट, ये सारे आउटपुट नहीं है, क्योंकि पी लूप से बाहर प्रिंट किया गया है। इसका मतलब लास्ट टाइम जो पी की वैल्यू थी वही प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछा गया होता कि लूप कितनी बार चला, तो आप लोग क्या बताते बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड? टाइम फॉर फाइनाइट कहां चला यार, ब्रेक से लूप से बाहर तो आए तुम, फाइव टाइम्स, सिक्स और बच्चे सोचें, सेवन टाइम्स, अंदाजा मार रहे हो। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि देखिए अंदर वाले कोड में कुछ एग्जीक्यूट हो या ना हो, अगर कंडीशन ट्रू के बाद आप अंदर आ गए धोखे से, तो इसका मतलब माना जाता है लूप चला। कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ध्यान दो, कंडीशन अगर ट्रू हो गई और आप अंदर आ गए, इसका मतलब लूप चला। अब चाहे अंदर वाले कोड में कुछ हुआ हो या ना हो, कुछ प्रिंट हुआ हो या ना हो, तो यहाँ पे आप देखो कि P माइनस 20 करके 80 हुआ था, तो 80 कब हुआ था, 6 वाले स्टेप में हुआ था। फिर लूप फिर से ऊपर चला गया, अब ट्रू मिल गया तो ट्रू का मतलब अंदर आ गए। अब चेक हुआ ये 7th टाइम चल रहा है, अब 80 इज लेस देन 100, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई थी तो ब्रेक से बाहर आ गए थे, तो लूप 7 टाइम्स चला माना जाएगा। आउटपुट आपका देखा जाए तो 6 टाइम पे ही आउटपुट जो फाइनल हो गया था वही आउटपुट माना जाएगा, लेकिन लूप 7 टाइम्स चला है। यहाँ पर ये गलती आपसे हो सकती है। अब फिर से कोई पूछ सकता है कि क्या आपने बताया, अगर नहीं समझ में आया हो तो। आ गया सबको समझ में कि लूप सातवीं बार चला, सातवीं बार में क्या मिल गया आपको, ब्रेक मिल गया, सातवीं बार में आपको ब्रेक मिल गया था, तो 7 टाइम्स लूप माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपका 80 है, ये 80 आपका चेक कर सकते हैं ये। उसके बाद फिर से आपका सील फ्लोर आ गया, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं क्या आउटपुट आएगा, मैथ डॉट मैक्स माइनस 17 और माइनस 19, तो 17 हाँ, तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको 17 19 में ऐसा लगता है कि बड़ा पूछा गया है। ध्यान रखो माइनस में छोटी बड़ी वैल्यू के हिसाब से जो जीरो के करीब होगी वो बड़ी वैल्यू मानी जाती है, और जो जीरो से जितनी दूर होगी वो छोटी वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ मैक्स का मतलब है बड़ी वैल्यू निकालना, तो बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पे 17 आएगी, बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पर 17 आएगी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर तो माइनस 17 हो जाएगा। उसके बाद सील, सील यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, 8.0। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सील का मतलब है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटाए और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, बस इतना ही होता है सील का मतलब। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू में होता है, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू में होता, जैसे आपने बताया इसका आंसर आ जाएगा 8.0, इसका आंसर आ जाएगा आपने बताया, लेकिन अगर यहीं पे आपका ये माइनस
7.8 होता तो इसका आंसर क्या आता -7.0 -7.0 बहुत अच्छा आपने समझ लिया। तो ये आपका -7.0 आ जाएगा। तो यानी माइनस वाली वैल्यू में ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है और पॉइंट के बाद में सिर्फ जीरो लगा देता है, बस इतना करता है माइनस वाली वैल्यू में सील। तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में ये आंसर छुपा रखा है जिससे आप लोग भी अपना दिमाग लगा सके, नहीं तो आप तो अपने आप जान जाओगे। तो आपका ये -17 ऊपर आ गया बड़ी वैल्यू मैक्स में और यहाँ पे 8.0 आ गया है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग का है स्मार्टफोन नाम से, आपका एक स्ट्रिंग है ए नाम का और बी नाम का स्ट्रिंग है, उसमें ग्राफिक आर्ट वर्ड है। अब इसमें आपका ये आंसर पूछा गया है तो इसमें मैं अब इंडेक्स नंबर डालना चाहूं तो डाल सकता हूं, लेकिन मैं गिन के ही काम का चला लूंगा कि जैसे कि आपका ए डॉट सबस्ट्रिंग 5 लिखा है, ए डॉट सबस्ट्रिंग 5, तो ए में क्या है स्मार्टफोन है, तो 5 कहां पे आएगा, 0, 1, 2, 3 सर 5 से लेकर जितने भी होंगे वो सारे जोड़ लिए जाएंगे। हाँ तो मैंने सबस्ट्रिंग का बताया था कि जो इंडेक्स अगर सिंगल इंडेक्स नंबर है तो वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देगा। तो आप 5 पे देखो कौन सा कैरेक्टर आ रहा है इसमें स्मार्टफोन में, सर पी, सर पी। हाँ तो इसका मतलब पी से आखिरी तक का पूरा क्या टूटेगा, क्या तोड़ देगा पी से आखिरी तक सबस्ट्रिंग फंक्शन वर्ड, फोन अपर केस हो जाएगा सर। हाँ अब ध्यान दो, फोन अपर केस, पहले तो फोन तोड़ेगा वो तो स्मॉल में ही होगा, फिर यहाँ पे डॉट 2 अपर केस लग गया इसका मतलब फोन अपर केस में हो जाएगा, पी एच ओ एन ई अपर केस में हो जाएगा। फिर बी में से सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया गया है जिसमें कि 0 से 7 इतना वर्ड तोड़ दे। अब जरा देखो यहाँ पे क्या तोड़ेगा ग्राफिक आर्ट में, सर ग्राफिक क्या जो स्पेस है वहां तक, ग्राफिक के आगे जो स्पेस लगा है वहां तक। सारे बच्चे ध्यान दे अपना अपना कैलकुलेट करें, दूसरे बात पे भरोसा ना करें। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने आपको बताया था कि जब सबस्ट्रिंग में दोनों इंडेक्स नंबर दिए होते हैं तो स्टार्टिंग जो दी गई वो तो वहीं से तोड़ेगा, लेकिन एंडिंग में एक कम तोड़ता है, यानी 7 दिया है तो 7 से एक कम यानी कि 6 तक तोड़ेगा। तो 0 से 6 तक कितना हुआ ग्राफिक खाली आया, सिर्फ ग्राफिक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी तक आया, ग्राफिक के सी तक, और कोई स्पेस नहीं देगा, बस यहाँ पे जी आर ए पी एच आई सी ग्राफिक इतना जोड़ देगा, और किसमें जोड़ देगा फोन में, फोन अपर केस है। अब एच को प्रिंट कराओगे तो फोन ग्राफिक आपका आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए ये लिखा है फोन ग्राफिक, आंसर दिखाई पड़ गया बच्चों? यस सर। हाँ उसके बाद बच्चों 11th क्वेश्चन में आपका यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है और ए की वैल्यू यहाँ पर 65 है और बी की वैल्यू 36 है। तो आप चेक कीजिए ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत देखो पूछा जा रहा है आउटपुट में, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर आपको अच्छे से याद आना चाहिए। तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि 63 is greater than 36 तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, 63 is greater than 36 कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट में जो भी लिखा है वो रिजल्ट वेरिएबल एक्स में स्टोर करा दे, तो यानी कि ट्रू यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो ये तो ट्रू आंसर हो गया। यस बेटा सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, हो रही है यस सर, आप मेरे में भी, मेरे सिस्टम में भी थोड़ा ब्रेक हो रही है सर, और सर आपका जो वो है वो स्क्रीन वेबकैम है वो भी थोड़ा उसमें भी इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है। अरे वो हमारी इमेज देखो ना देखो, लेकिन पढ़ाई सही होनी चाहिए। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये मैंने हम लोगों ने निकाल लिया कि ये ट्रू आया था, ठीक है, क्योंकि आपका 63 इज ग्रेटर देन 36। अब दूसरे वाले में देखिए 63 इज ग्रेटर देन 36 फिर से पूछा गया है और ए अपनी वैल्यू कंडीशन ट्रू होने पर ए अपनी वैल्यू वाई में देगा, कंडीशन फॉल्स होने पर बी अपनी वैल्यू वाई में देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों,
63. यस, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो 63 अपनी वैल्यू y में दे देगा. तो पहले वाले का आंसर ट्रू है, दूसरे वाले का आंसर 63 है. ये साइड में आपको दिखाई पड़ गया होगा. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वैल्यू ऑफ n एंड ch इसको फाइंड आउट करना है. तो n की वैल्यू यहाँ पे है, ch की वैल्यू यहाँ पे है. अब यहाँ पे पहले मैं अपनी तरफ से जो बताना था वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपना आंसर निकालिए. c एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसमें स्मॉल कैपिटल a स्टोर है, और n एक int टाइप का वेरिएबल है जिसमें c के अंदर 1 ऐड किया जा रहा है. तो इसके बाद n में रिजल्ट चला जाएगा. और ch एक आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल फिर से लिया गया है जिसमें n में जो भी आया होगा उसको कैरेक्टर में टाइप कास्टिंग के द्वारा कन्वर्ट करके ch में स्टोर किया जा रहा है. अब बच्चों आप अपने हिसाब से आंसर बताइए क्या आएगा n और ch की वैल्यू. किसी का दिमाग लगा? 65. n की वैल्यू आप 65 बता रहे हो और ch की? सर n की वैल्यू 66 है और ch का 65. और ch की वैल्यू b 65. सर b So 66B. Okay, final. देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप बोलें उसी समय माइक ओपन करें, और जैसे बोली खत्म हो तो इंतजार ना करें कि आप मैं बोलूं या कोई और बोले, अपना माइक बंद कर लिया कीजिए जिससे कि वीडियो साफ सुथरी बने. ओके okay, तो आपने ये आंसर हमारे पास आए हैं. अब जैसे अगर हम यही वाला मान लें कि n की वैल्यू 66 है और बी की वैल्यू सॉरी CH की वैल्यू बी है, तो कितने बच्चे हैं जो ये बताएं कि ये आउटपुट कहां से आया, उनको पल्ले नहीं पड़ा. कोई भी बच्चा नाम के साथ बताएं. अरे ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई जाती, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं आता है. बस हम बताएंगे नहीं आता, इसी में तो हिम्मत दिखानी होती है. इसमें ये नहीं दिखाना होता है कि देखो अब हम क्यों बोले. सबको आ गया? फिर नहीं बताऊंगा मैं ये कैसे आया. Yes. Yes, sir. चलिए फिलहाल हमें कुछ बच्चे अभी हैं जो नहीं बोल रहे हैं, जैसे प्रांजल नहीं बोल रहे हैं. अभी मैं पूछना शुरू कर दूं सबसे तो अभी पता चल जाएगा. निखिल है समय? निखिल बेटा हैं आप? दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं. देखिए कैसे आंसर निकाला गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बाद में भी देखेंगे इसलिए आंसर बता देना चाहिए मुझे लगता है. ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें सिखानी भी है, खाली आंसर से मतलब नहीं. सी एच में आपका ए है तो कैपिटल ए का स्काई कोड आपका 65 होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको. अब यहाँ पर सी प्लस 1 किया जा रहा है, तो सी में आपका तो ए था, इसका मतलब a प्लस 1 किया जा रहा है, a प्लस 1. तो यहाँ पे फंडामेंटल याद रखिए बच्चों कि कभी भी कैरेक्टर वैल्यू के साथ कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर आ जाए, यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड, या कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाए. तो कभी भी कोई ऑपरेटर अगर आ जाता है अर्थमेटिकल या कंपैरिजन में से, तो आपका कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है. तो ये आपका 65 बन जाएगा, यहाँ पर ए नहीं रह जाएगा, अब 65 बन जाएगा. 65 प्लस 1 करेंगे तो 66 हो गया. उसके बाद यहाँ पे n को, n में 66 है, उसको आपने कैर में बदला है, तो ये आपका किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के पहले अगर कैर लिख दिया जाए तो वो न्यूमेरिक वैल्यू अपने आप को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेती है. तो जैसे मैंने बताया कि a का 65 होता है तो 66 किसका होगा? b का होगा. तो ch में b आपका पहुंच जाएगा. तो आउटपुट आपका 65, n की वैल्यू 66 है और b की वैल्यू ch की वैल्यू b है. अब यहाँ पे एक नई चीज क्या है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यही स्टेटमेंट मान लीजिए लिखा है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बच्चों, यही स्टेटमेंट लिखा है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए
ऐसे मान लीजिए कर दिया, इसको रोमन में वन कर दिया, इसको रोमन में टू कर दिया। आप बताइए वन और टू में कहां पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज का एग्जांपल दिखाया गया है, कहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल दिखाया गया है, क्या बताएंगे? वन में सर एक्सप्लिसिट सेकंड में और इम्प्लिसिट फर्स्ट में। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रहर्ष। जो अपने आप डेटा कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे सी का मतलब तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने आप ये 65 बन गया, तो 65 अपने आप बन गया, इसका मतलब ये अपने आप बनता है तो इम्प्लिसिट कहा जाता है। अगर जबरदस्ती बनवाना पड़े, जैसे एन में 66 था, उसको बनवाना पड़ा बी, तो जबरदस्ती बनवाने के लिए फोर्सली कहा जाता है उसको, तो आपको अलग से गोल वाले ब्रैकेट में डेटा टाइप कभी भी मिल जाए तो आप जान जाइए वो एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। तो ये दोनों एग्जाम्पल दोनों आपके सामने एग्जाम्पल आ चुके हैं। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आप एक्सप्लेन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग विद एग्जाम्पल, तो आप यही वाला एग्जाम्पल बच्चों ले सकते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट का कुछ भी पूछ दे तो ये आपका एग्जाम्पल काम आएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद तो देखिए आउटपुट भी आप देख लीजिए 63 कहाँ, अच्छा ये पुराना वाला है, ये बी आ गया है, एक वैल्यू गायब हो गई कहीं से, एन की वैल्यू आपकी क्या आई थी 66 आई थी, तो 66 नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों जरा इसको कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा इसमें, सारे बच्चों को 20 आ गया, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ दिखाने के लिए खाली। 20 हाँ, जब भी इक्वल साइन से पहले प्लस ऑपरेटर होता है तो इसका मतलब वैल्यू स्टार्टिंग यहाँ से रखना चालू कीजिए, मैंने सिखाया आप लोगों को। तो x में आप 4 दे दीजिए, तो ये 4 ले लिया मैंने, फिर प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दिया, फिर इक्वल साइन जहाँ पे आता है वहां पे कंपल्सरी रूप से गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। फिर उसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू चेंज नहीं की जाती है, जो वैल्यू है वही ले ली जाती है, जिसका मतलब ये 4 था तो 4 ही ले लिया गया, और इसकी जो चेंज वैल्यू है वो अगले स्टेप में भेज दी जाती है, तो अगले स्टेप में यहाँ पर 5 पहुंचेगा, 5 पहुंचा, और फिर हमने देखा यहाँ प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये चेंज कर दे 6 कर दे, तो 5 से ये 6 हो गया, फिर आगे गए तो यहाँ पर आपका ये 6 हो गया, फिर आगे गए तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब 6 ही ले लिया जाएगा। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो 6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 4 कितना हो गया आपका 16 हो गया, और 16 अब ब्रैकेट से बाहर आए तो 16 प्लस 4 तो 20 हाँ तो 20 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, तो 20 आंसर इसका एग्जैक्टली आएगा, बिल्कुल सही है आप लोग। देखिए यहाँ पर 20 है। उसके बाद बच्चों हाँ जल्दी से यहां पर इसको चेक करने कोशिश कीजिए क्या रिजल्ट आएगा, फिर मैं बताऊं। 2.0 फ्लोर की वैल्यू 2.0 बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोर फंक्शन सील का अपोजिट होता है, तो एक रिलेशन थोड़ा सा बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, कि देखिए सील फंक्शन में माइनस वाली वैल्यू में जो आउटपुट आ रहा होता है वो फ्लोर में आता है पॉजिटिव वैल्यू में। फिर से एक बार, सील वैल्यू में, सील फंक्शन में माइनस वाली वैल्यू के साथ आउटपुट निकालने के लिए जो वर्क किया जाता है वही वर्क फ्लोर में पॉजिटिव वैल्यू को का रिजल्ट निकालने के लिए किया जाता है। तो जैसे क्या किया जाता था सील में, सील में माइनस वाली वैल्यू में इंटीजर पार्ट यानी पॉइंट से पहले वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं करते थे, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट में जो भी लिखा है उसको हटा के जीरो लगा देते थे। तो वही फ्लोर में करना है कि पॉइंट के पहले वाले पार्ट को टच नहीं करना है, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को जो भी लिखा है उसको हटा के जीरो कर दो। तो क्योंकि एक्स में आपका 2.9 है तो ये आपका 2.0 यहाँ पर आउटपुट के रूप में आ जाएगा।
हाँ उसके बाद अब राउंड में जरा देखो, हाँ राउंड में क्या है, राउंड में पॉइंट में पॉइंट वन से लगाकर पॉइंट फोर तक की अगर कोई वैल्यू होती है तो आपका वो पॉइंट वाली वैल्यू हटाकर इंटीजर पार्ट का ही रिजल्ट दे देता, और राउंड फंक्शन आपका ये इंटीजर वैल्यू देता है ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, राउंड फंक्शन आपका पॉइंट वाली वैल्यू रिजल्ट नहीं देता है। याद है किसी को, याद आया या सर हमें याद है? तो देखिए यहाँ पर 2 और 2.0 और 2 आंसर yes. आए हैं आपके, तो राउंड फंक्शन पॉइंट में वैल्यू नहीं देता है ये वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए मलयालम लिया गया है सर। यस बेटा। सर अगर 2.5 होता तो वो 3 में कन्वर्ट होता है फिर 2 किस में? सर मैथ डॉट राउंड। बताओ बच्चों अगर मैथ डॉट राउंड है और 3.5 होता तो किस में कन्वर्ट करता? ये जो है 4 फोर में जीरो। अगर 3.4 होता 4.0 नहीं होता, जीरो तो होता ही नहीं क्योंकि वो तो राउंड फंक्शन इंटीजर वैल्यू देता है। तो आप 5 या 5 से ऊपर करते हैं तो आपका यहाँ पे सील जैसा वर्क करेगा, यानी कि 4 दे देगा आउटपुट के रूप में आपका। आपका नहीं आ रहा है क्या? क्या कंफ्यूजन है बेटा? सर कंफ्यूजन नहीं था, बस ये पूछना था। अच्छा 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 ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग फंक्शन दिया गया है, इसमें मलयालम लिया गया है और s डॉट इंडेक्स ऑफ m और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ a, तो दोनों का आउटपुट देख के ही बता सकते हैं आप, बताइए क्या आएगा, काउंट कर लीजिए। सर इसका 0 होगा और दूसरे वाले का पहले वाले का 10 होगा। देखिए मैं इंडेक्स नंबर बता रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर 8 होगा। दूसरे वाले का 7 होगा, पहले वाले का 0 नहीं सर, पहले वाले का 8 होगा। हड़बड़ाओ नहीं, हाँ हड़बड़ाओ नहीं, ध्यान से देखो, पहले वाले का 8 होगा और सर दूसरे वाले का 7 होगा। दूसरे वाले का 7 होगा, बहुत सर 8 होगा। होगा। अब देखो यहाँ पे 0 से 8 तक तो इंडेक्स नंबर ही गए हैं, तो पहले वाले का m स्मॉल में है और फंक्शन आपके केस सेंसिटिव होते हैं सारे, तो ये पहले वाले m का आप इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट से राइट की ओर ढूंढता है, तो लेफ्ट से राइट की ओर जो भी पहला कैरेक्टर मैच कर जाएगा उसी का रिजल्ट बना देगा। तो ये तो स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, ये तो मैच नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो लास्ट में m कहाँ मिला, 8 पे मिला, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट तो आपका 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये राइट से लेफ्ट की ओर ढूंढना चालू करता है। इंडेक्स नंबर तो 0 से ही पढ़ेंगे, उधर से ही पढ़ेंगे, लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर ढूंढता है, तो ये आपका ए ढूंढेगा तो जो पहला ए मैच कर जाएगा उसको वही रिजल्ट, तो पहला ए आपका 7 पे है। 7 क्या दिक्कत है बताओ इसको समझने में? देखिए 8 और 7 आउटपुट आया है, 8 और 7 प्रहर्ष क्या नहीं समझ में आ रहा था आपके? इंडेक्स नंबर भी मैंने बता दिए थे इसीलिए, ठीक है। सारे बच्चों को आ गया क्लियर? यस सर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग व्हाइल इंस्टेड ऑफ फॉर लूप, मतलब फॉर लूप में दिया है इसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, तो आपको रीराइट का मतलब कन्वर्ट करना है, तो आपको यह 4 स्टेप याद होने चाहिए और लूपिंग जो मैंने पढ़ाई थी उसका पहला क्लास खाली आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमने व्हाइल फॉर डू व्हाइल तीनों के स्ट्रक्चर बताए थे। तो आपको यहाँ पे व्हाइल का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही पहले याद दिला दूं कि पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू डाल के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। फिर दूसरा आपका कंडीशन होता है,
यहाँ कंडीशन होगी, फिर वर्किंग होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर कुछ है तो वो हो जाता है, और उसके बाद इसको कर दिया जाता है बंद। तो इसके हिसाब से इसमें से आपको स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन में या इनिशियलाइजेशन में INT F इज इक्वल टू 1 तो पहले से दिया गया है, और लूप किससे चल रहा है, आई से आई में क्या है 1, तो 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दीजिए, कंडीशन पे आ जाइए। कंडीशन में यहाँ पे आई इज लेस देन 5 लिखा है तो आई इज लेस देन 5 कर दीजिए, ठीक है, कंडीशन हो गई। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में F इंटू इज इक्वल टू आई लिखा है तो वो लिख दीजिए, और प्रिंटिंग है तो SOPLN F प्रिंट कर दीजिए, और उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस इसके पास नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बस ये कन्वर्जन हो गया। तो इसमें जो इनिशियलाइजेशन फॉर आई प्लस प्लस, यस बेटा आई प्लस प्लस है, हाँ हाँ सॉरी ध्यान नहीं दे पाए, ये लिखा है आई प्लस प्लस तो ये नीचे आ जाएगा आपका आई प्लस प्लस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या खाली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन का मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू डालने वाली बात है, कंडीशन का मतलब जो कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन होती, वर्किंग ये आपका एफ वाली लाइन और एसओपी वाली लाइन, और ये अपडेशन पार्ट आ गया। बस कुछ क्वेश्चन पूछना किसी को इस वाले क्वेश्चन में, आ गया सबको? Yes, sir. तो ये अपडेशन था, ओके। उसके बाद यहां पर मैंने आंसर छुपा रखे हैं, देखिए जल्दी से बताइए, ये एरे है, इसमें a of 3 की पावर 2 करनी है और इसमें a of 0 a of 2 को ऐड करके रिजल्ट बताना है। जीरो वन टू थ्री, थ्री पे 7 है तो 7 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 49.0। एक बार बता दें फिर से, दूसरे वाले का 5 आएगा, 5.0 पहले 25 आ जाएगा पहले वाले का, सेकंड वाले का, पहले वाले का बताओ 5.0 वाले का 49.0 49, अच्छा ओके 49.0। और यहाँ पे देखो 0 पे क्या है 17 है और 2 पे क्या है 0 1 2, 2 पे 8 है तो 17 और 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 25.0 है। हाँ तो 5.0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपके आंसर मुझे अब सही लग रहा है, सही है, हाँ सही है, ठीक। उसके बाद बच्चों अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जब व्हाट पैटर्न विल बी प्रिंटेड इफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ये प्रोग्राम का सेगमेंट अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या पैटर्न प्रिंट होगा, थोड़ा नीचे करिए सर पता चले सर। हाँ मैं आंसर छुपा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, चलिए पैटर्न पढ़ा है आप लोगों ने, एज्यूम करके देखिए फटाक से क्या आएगा, फाइव फोर थ्री टू वन फिर 4 3 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1 फिर 1। और बच्चे सोच के बताएं जल्दी से, यही आएगा या कुछ अलग? यही आएगा। देखो कैसे गेस लगाना चाहिए, देखो आई वाला लूप जो है स्टार्टिंग वैल्यू जे को दे रहा है ना, और आई माइनस माइनस हो रहा है तो इसका मतलब आई के हिसाब से हर लाइन की स्टार्टिंग होगी, तो आई की वैल्यू पहले 5 है इसलिए 5 से स्टार्टिंग हुई लाइन की, और फिर आई माइनस माइनस होके जब 4 देगा तो 4 से स्टार्टिंग होगी, फिर 3 देगा 2 देगा 1 देगा, फिर जे में क्या हो रहा है जो भी आई ने दिया है उसका उल्टा कर दो, तो 5 दिया है तो 5 से उल्टा, 4 दिया तो 4 से उल्टा, 3 दिया तो 3 से उल्टा, बिल्कुल सही। ये आपका आंसर सही। उसके बाद आप जल्दी से इसको देख लीजिए, हाँ इसको करके देखिए तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है कहाँ।
करके देखिए ये दोनों क्वेश्चन, इसमें ए की वैल्यू आपकी 9 बताई गई है और इसमें एम और के और आर की वैल्यू 11, 8 और 7 है। पहले वाला हो जाए तो तुरंत पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला डिस्कस। आपका 7 11 आ रहा है, एक और दो बच्चों को 9 आ गया है। आगे बताएं, और किसी का कुछ आ रहा है? चलिए इसी को फाइनल, इसी को फाइनल मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर ए की वैल्यू आपकी 9 दी गई, तो मैं यहां पे 9 ले लूंगा, फिर इनटू का साइन और इक्वल साइन की जगह पर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, फिर 5 प्लस और माइनस माइनस ए है तो ए की वैल्यू 1163 आ रहा है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, आप देखिए तो ए की वैल्यू आपकी 9 थी और प्री डिक्रीमेंट में चल रहा है तो 9 से 8 हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए और फिर ए की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट में है तो इसमें 8 है तो 8 ही बनी रहेगी, 9 नहीं होगी, और फिर प्लस 10 है और उसके बाद कोई ए है नहीं इसलिए चेंज वैल्यू जाएगी नहीं। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 तो आपका 64 हो जाएगा और 64 प्लस 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो 64 प्लस 15 79 हो जाएगा। अब 79 इंटू 9 करेंगे तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ तो हम लोगों को करना है 79 इंटू 9, तो 9 इंटू 79, 9 इंटू 79 इज इक्वल टू 711 आंसर आया है। अब आप लोगों ने कहां गलती की आप सोचिए, आ गया मेरा सही था, बहुत अच्छी बात। नाम बताओ सर, ब्रैकेट नहीं लगाया था सर, देवेश। अब याद रखिएगा ये गोल वाला ब्रैकेट इक्वल साइन के जगह पे लगाना जरूरी है, नहीं तो आप पहले मल्टीप्लाई कर डालोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई पहले बड़ा माना जाएगा इसलिए वो ऐसे सॉल्व होगा। तो ठीक है आपका ये पहला वाला आंसर हो गया। दूसरा वाला आंसर कौन बता रहा है अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो? सर 44 216 216 तो काफी बड़ा है और 44 काफी छोटा है, पता नहीं और क्या आएगा। और किसी का कोई आया कुछ? एक मिनट रुक, हाँ मैं एक मिनट रुका हूँ। तब तक मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ कि k की वैल्यू यहाँ पर आपका 8 है तो 8 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर m की वैल्यू आपकी 8 थी तो 8 से माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 8 ही बना रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, ये अलग ब्रैकेट है। और फिर k की वैल्यू आपकी यहाँ पर 8 है, हाँ k की वैल्यू 8 है तो 8 ही बनी रहेगी प्लस और माइनस वो बाद में करेंगे, पहले मैं वैल्यू निकाल लूं। माइनस माइनस आर का मतलब है आर की वैल्यू आपकी 7 थी और माइनस माइनस करेंगे तो 7 से 6 हो जाएगा। M 11 है, M 11 है अपने 8 की वैल्यू तो 44 आएगा। ओके ओके 36 फाइन सर, सॉरी 44 ही आएगा, 44 M 11 है तो फिर 11 रख लिया जाए भाई, यहां पे 11 हो गया और उसके बाद ये तो आपका K 8 रखा 312 और ये 6 हो गया और 6 के बाद फिर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है R में तो ये आपका 6 ही बना रहेगा और फिर इसको कर दिया बंद। तो आपका पहले 11 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 जा 9 जाएगा 40। एक मिनट जो yes, स्टेप वाइज चलो, तो क्योंकि कोई वेरिएबल का टाइप नहीं बताया गया इसका मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी तो 3 जा 9 जाएगा तो आपका 3 ही ले लिया जाएगा यहाँ पर, तो यानी 8 इंटू 3 प्लस अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका 6 6 12 12 और 12 और 20 हो जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई कर दो 8 8 3 जा 24 हो जाएगा प्लस 20 कितना आ गया 40 12 44
44 गलत है, ये गलत है बेटा। सर वो अंदर है ब्रैकेट के। सर हाँ, अगर ब्रैकेट प्लस प्लस होगी 20 होगा पहले। यस यस सही कह रहे हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो ब्रैकेट के हिसाब से आपका 20 और 3 पहले ऐड होगा, ये अभी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो 20 और 3 23 हो गया, और इनटू 8 करो, यही तो सब चीजें टेक्निकल हैं। 184 तो 23 इनटू 8, ये क्या आ गया, मैंने गलत लिख दिया था क्या? 184 आया सही है, 184 आया, 184। अगर आपने पुराने आंसर से भी मैच कर लेते हैं जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गलत आया है। तो 184 तो ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, ये जो 5.0 लिख दिया है, कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलत हुआ होगा, आपने गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल, हमने गलत कर दिया है। एक्चुअली जो है काफी क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा लिखना ना पड़े तो कॉपी पेस्ट चक्कर में गलती हो जाती है कभी कभार, लेकिन इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं और कर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि 20 हो जाए जिससे हमें लोगों की याद। अच्छा 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 अच्छा, बच्चों देखिए, एक आपका स्ट्रिंग क्लास होती है, एक आपका कैरेक्टर क्लास होती है, एक आपका स्ट्रिंग बफर क्लास होती है, स्ट्रिंग बफर क्लास होती है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास वैसे बुक में तो दी गई है, लेकिन आज तक उसका कोई क्वेश्चंस मिला नहीं जो बोर्ड में कभी आया हो। तो यहाँ पर ये इंसर्ट फंक्शन है, डिलीट फंक्शन है, ये स्ट्रिंग बफर क्लास का फंक्शन है। जैसे एक रिवर्स फंक्शन भी है, जो किसी भी स्ट्रिंग को फंक्शन में डाल दो वो रिवर्स कर देता है, आपको लूप वूप चलाने की जरूरत नहीं, वो भी स्ट्रिंग बफर का ही है, स्ट्रिंग क्लास का नहीं, स्ट्रिंग बफर क्लास का है। तो उसके हिसाब से बस मैं ये 20 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूं कि ये स्ट्रिंग बफर क्लास का, जैसे स्ट्रिंग होता है ऐसे स्ट्रिंग बफर होता है क्लास का नाम, और ये वीडी नाम का, डब्ल्यूडी नाम का आपने वेरिएबल लिया है, जिसमें ए ई आई ओ यू ये पूरी स्ट्रिंग आपने इसमें स्टोर करा रखी है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया डब्ल्यूडी में इंसर्ट हो जाए फोर्थ कैरेक्टर पे आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसमें फोर्थ इंडेक्स नंबर पे पहुंच जाए, ठीक है, और फिर डब्ल्यू डी प्रिंट करा दिया गया। उसके बाद कहा गया 1.4 का मतलब 1 से स्टार्ट करें और 4 तक का डिलीट हो जाए, तो इसके आउटपुट आप तुरंत देख लीजिए, ये आउटपुट है। जैसे कि आपके पास क्या था, आपके पास ए ई आई ओ यू ये था, और ये 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया 4 वाले इंडेक्स नंबर पे एक्स वाई जेड इंसर्ट कर दे, इंसर्ट मतलब उसमें ऐड कर दे। तो फोर्थ पे तो यू है, तो ए ई आई ओ तक सेम रहा, और यू वाली जगह पर यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये आया, और फिर यू जो था आपका वो लास्ट में शिफ्ट हो गया 4 वाले इंडेक्स नंबर पे जो। अच्छा ये यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में ऐसा करता है कि वो रिप्लेस नहीं करता है, उसमें सेट वाला फंक्शन था वो रिप्लेस कर देता है, हटा ही देता है, ये हटाता नहीं, फोर्थ इंडेक्स नंबर पे जो था वो आगे शिफ्ट कर दिया, ये यू और एक्स वाई जेड बीच में डाल दिया। फिर आपका डिलीट फंक्शन 1, 4 लिखा है, तो यानी कि 1 का मतलब ये है ई, और 4 का मतलब यहाँ पर एक कम इसमें भी लेता है बच्चों, तो ये 4 का मतलब 3 तक लेगा, तो 1 से 3 तक यानी कि ये इतना गायब कर दें तो आपका ए, और उसके बाद ई ओ आई ओ छोड़ दें तो आपका एक्स वाई जेड और यू ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ये दोनों आउटपुट मैंने डिस्कस कर लिए, तो आगे के लिए आप थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए, और मैं ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस लेके आऊँगा। असाइनमेंट मैंने कहा था सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ये सब अगर इतनी प्रैक्टिस करी तो कुछ और हो या ना हो कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा कि हाँ हमें कुछ आता है सॉल्यूशन करने से, ऐसा होता है। बाकी बच्चों मैं बात जानकारी दे दूं, कल 10th क्लास का आपका जो है एमसीक्यू का एक टेस्ट होगा, वो मैं मैसेज डाल दूंगा, वो 5 बजे या 6 बजे एमसीक्यू का टेस्ट होगा, ऐप पे जो टेस्ट नाम का जो है आपका टैब है उसी में जाकर मिलेगा, मैसेज पहले ही आ चुके होंगे आपके पास, 25 क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस से, और उसमें से और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखने पड़ेंगे, है ना।
तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और ऐसे टेस्ट रेगुलर बीच में मैं आपसे अब करवाऊंगा जब तक गूगल फॉर्म पे होगा। नहीं कोई गूगल फॉर्म नहीं होगा, हमारे ऐप की बात हो रही है। ऐप में जो टेस्ट वाला बीच में मिलता है ना बैच के अंदर जाने पर, उसी में वो पेपर आएगा। और इसकी खूबी ये है कि आप जैसे लास्ट में फाइनल पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट दिखा देगा। फिर उस रिजल्ट में चाहे जितने नंबर आपके आए हो, लास्ट में आप दोबारा से उस रिजल्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आप सही आंसर क्या है वो भी देख सकते हो बाद में, ठीक है। और एक गलती हो जाती है बच्चों, एक बार, ये सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गलती होगी और आपको निराशा हाथ में लगेगी, कि एक बार अगर आपका जैसे पेज ओपन हो गया, टेस्ट वाला पेज ओपन हो गया, उसके बाद अगर आपने आपने कोई भी हरकत ऐसी की कि जिससे वो टेस्ट पेज सामने से हट जाए और कोई दूसरी स्क्रीन आ जाए, तो क्या होगा, वो टेस्ट में ये चाहे खूबी कह लो चाहे कमी, ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है। क्योंकि और आपने दो क्वेश्चन अगर किए होंगे और दो नंबर के हैं तो सिर्फ दो ही आंसर, दो ही नंबर आपके आएंगे, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। कि और उसका रीजन क्या है, सिक्योरिटी पर्पस रखा गया कि बच्चा इंटरनेट से ढूंढ ले उसका आंसर, तो इंटरनेट खोलने के लिए आपको वो पेज हटाना पड़ेगा टैब से जैसे करते हुए मोबाइल पे, और जैसे वो टैब हटेगा वैसे आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ऐसा करने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो आप जो दो चार नंबर ला सकते थे, और अगर मान लीजिए आपने तीन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक एक नंबर का था, तीन ही नंबर आएंगे 25 नंबर में से। समझ गए सारे बच्चे? सर हम लोग भी सर दे सकते हैं, हम लोग मतलब नाइन्थ वाले बच्चे? नो सर, टेंथ में जो सर 4-5 न्यू बैच शुरू हुआ है। अरे यार, तो पेपर अभी तुम जब स्कूल का पेपर दे सकते हो तो यहाँ का क्यों नहीं दोगे? और बाकी आपको ये पढ़ने के लिए एमसीक्यू वाली जो शीट हमने बहुत सारी दी है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं उनमें से 25 क्वेश्चन ढूंढ के एक पेपर बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बहुत अच्छा लगा। Okay, sir. आप लोगों ने सपोर्ट किया और अच्छा सा पार्टिसिपेट किया, जो बच्चे बोले उनको जरूर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर।